And today we will discuss about kingdom fungi. This kingdom fungi is also known as a group of multicellular decomposer. Group of multicellular decomposer. This kingdom fungi is also called as a group of multicellular decomposer. क्यों? क्योंकि फंजाई जो है वो मल्टीसेलुलर होती है. और डीकम्पोजर क्यों नाम दिया है? क्योंकि ये डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करती है. अगर फंगस की डेफिनेशन देखी जाए तो बेसिकली फंगस क्या है? सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है. नॉन वैस्कुलर, जिसमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट है. ए क्लोरोफिलस, मतलब क्लोरोफिल एब्सेंट होता है. हेट्रोमॉर्फिक, दूसरों पे फूड के लिए डिपेंड रहना पड़ता है. नेक्स्ट, स्पोर बियरिंग. कौन सी होती है? स्पोर बियरिंग. यूकैरियोटिक, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ काइटिन. किसकी सेल वॉल बनी हुई होती है? काइटिन की सेल वॉल बनी हुई होती है. दूसरा जो रिजर्व फूड है, दैट इज ग्लाइकोजन. रिजर्व फूड क्या है? ग्लाइकोजन. फंगस की स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी. क्या नाम देते हैं? स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी. इसी प्रकार दोज हु स्टडी अबाउट द साइंटिस्ट और स्पेशलाइज्ड हु स्टडी अबाउट फंगस आर कॉल्ड माइकोलॉजिस्ट. उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? माइकोलॉजिस्ट का नाम देते होते हैं. नेक्स्ट, ये क्या कहता है कि अगर हम फंगल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि फंगस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो जो फंगस की जो सोमेटिक बॉडी है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती, ग्रोथ में हेल्प करती है, दैट इज माइसीलियम. कैसी होती है? माइसीलियम. तो फंगस की सोमेटिक बॉडी कैसी होती है? माइसीलियम होती है. ये माइसीलियम लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड का बना हुआ होता है और उन थ्रेड को हम नाम देते हैं हाइफी. क्या नाम दे देते हैं? हाइफी का नाम देते हैं. ये जनरली सिंगल स्पोर से डेवलप होते हैं. किससे डेवलप होते हैं? सिंगल स्पोर से. Mostly fungus are multicellular, but there are some exception that some fungus are unicellular. For example, Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. इसका कॉमन नेम देखिए, आप सभी जानते हैं, यीस्ट है. तो जो यीस्ट है, दैट इज यूनिसेलुलर फंगस के नाम से जानी जाती है. और इसमें जो माइसीलियम है, दैट इज सूडो माइसीलियम. कौन सा माइसीलियम होता है? सूडो माइसीलियम होता है. नेक्स्ट आ जाओ. क्या कहता है कि जो फंगस है इसके अंदर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. तो जो फंगल टिश्यू है उन्हें हम नाम देते हैं प्लेक्टेन काइमा. क्या नाम देते हैं? प्लेक्टेन काइमा. फंगल टिश्यू को हम क्या नाम देते हैं? प्लेक्टेन काइमा. ये प्लेक्टेन काइमा टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, प्रोसेन काइमा और सूडो पैरन काइमा. प्रोसेन काइमा और सूडो पैरन काइमा के नाम से जाना जाता होता है. ये क्या कहता है कि जो प्रोसेन काइमा है, ये प्रोसेन काइमा के अंदर जो आपके हाइफी होती हैं, वे एक दूसरे के पैरेलली रन करती हैं. इस प्रकार से ऐसे ये हाइफी एक दूसरे के कैसे रन करेंगी? पैरेलल रन करती होती है. लूजली इंटरवोवन, आपस में एक दूसरे के साथ पूरी तरह से अटैच नहीं होती हैं, लूजली इंटरवोवन होती हैं. सूडो पैरेन्काइमा के अंदर एक क्लोज पैकिंग होती है, इस प्रकार से राउंडेड. और कैसी पैकिंग हो जाती है? क्लोज पैकिंग होती है. इंडिविजुअल हाइफी को आप डिस्टिंग्विश
नहीं कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर इंडिविजुअल हाइफी कैसी होती है, डिस्टिंग्विशेबल हाइफी है। यहाँ पर सभी हाइफी आइसोडायमेट्रिक होंगी, जिनका डायमीटर क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट आ जाओ हाइफल स्ट्रक्चर। क्या आ जाता है, हाइफल स्ट्रक्चर। ये क्या कहता है कि किसी किसी फंगस में जो हाइफी होती है उसके अंदर कोई पार्टीशन नहीं होता, न्यूक्लियस फ्रीली फ्लोट करते हैं। इस हाइफी को हम नाम देते हैं एसेप्टेट हाइफी या नॉन सेप्टेट हाइफी। दूसरे ये क्या कहता है कि यहाँ पर जो हाइफी है, जो माइसिलियम होता है, जो हाइफी है, डेट इज कोइनोसिटिक। कोइनोसिटिक, कोइनोसिटिक एक वर्ड है जो स्पेशली फंगस में यूज होता है। किसके लिए, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। कोइनोसिटिक वर्ड मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जब सेप्टम नहीं है तो इस आईफी में कई सारे न्यूक्लियस है, तो एसेप्टेट आईफी कैसी हो गई, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में होती है। सेकेंड टाइप है सेप्टेट। सेकेंड टाइप कौन सा हो जाता है, सेप्टेट। यहां पर इस प्रकार से भी हो सकता है सेप्टा, एक सेप्टा में एक न्यूक्लियस, तो यूनिन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, और एक सेप्टा में दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, तो बाइन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। दिस इज सेप्टेट हाइफी। फिर क्या कहता है कि सेप्टेट को हमने थ्री टाइप्स में डिवाइड कर दिया। जो सेप्टेट क्या, जो सेप्टा है जो डिवाइड कर रहा है हाइफी को, दैट इज ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन कंप्लीट सेप्टा, सेकेंड सेप्टा विद सिंपल सेंट्रल पोर, थर्ड इज डोलीपोर सेप्टम। थर्ड कौन सा हो जाएगा, डोलीपोर सेप्टम। जो कंप्लीट होते हैं, ये जो सेप्टम होते हैं इसके अंदर जो क्रॉस वॉल होती है वो कंप्लीट होती है, कोई पोर प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा क्या कहता है, जो सिंपल सेंट्रल पोर होते हैं, जनरली एस्कोमाइसिटिस, अभी हम ये ग्रुप पढ़ेंगे फंगस के, एस्कोमाइसिटिस ग्रुप में या ड्यूट्रोमाइसिटिस ग्रुप में एक सेंट्रल पोर होता है सिंपल, इस प्रकार से क्या प्रेजेंट होता है, एक सिंपल सेंट्रल पोर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। डोलीपोर जो सेप्टम है जनरली बेसिडियोमाइसिटीज में पाए जाते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में। और जो यहाँ सेप्टम्स होते हैं, ये सेप्टम्स कैसे होते हैं, बिकम बैरल शेप, कैसे होते हैं, बिकम बैरल शेप्ड। और जो बैरल शेप्ड है इनके अराउंड एक सेंट्रल पोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये डोलीपोर सेप्टा जो है ये पोर कैप से क्या होते हैं, कवर अप होते हैं। अब बात आती है, हम सेप्टा सेप्टा पढ़ तो रहे लेकिन इन सेप्टा के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात, जो सेप्टल पोर्स होते हैं ये न्यूक्लियाई के मूवमेंट को अलाउ नहीं करते, देयर फॉर दे मेक द, जो हाइफी होती है अगर मल्टी न्यूक्लिएट है तो मल्टी न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट है तो बाई न्यूक्लिएट ही रखते हैं, डू नॉट अलाउ द न्यूक्लियाई टू मूव वन सेल टू द अनदर। दूसरा फंक्शन क्या होता है, यूजफुल मटेरियल का मूवमेंट करती है एक सेल से दूसरी सेल में। तीसरा क्या करता है कि प्रोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटम, मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है एक सेल का दूसरी सेल में किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, सेप्टा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम फंगस का स्ट्रक्चर देखें तो फंगस की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की। किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की सेल वॉल। सेंट्रल में लार्ज न्यूक्लियस होता है। दूसरा ये क्या कहता है, यूकैरियोट है तो माइटोकॉन्ड्रिया सभी के सभी सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होंगे। हमने एक चीज पढ़ी थी बैक्टीरिया में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग को हमने मीजोसोम नाम दिया था। यहाँ पर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉइल्ड हो जाती है और मीजोसोम की जगह क्या बनाती है, लोमासोम्स। क्या बना देती है, लोमासोम्स बनाती होती है।
रिजर्व फूड इसमें ग्लाइकोजन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी चीजें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आ जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भाई, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है फंगस में? पहला फ्रेगमेंटेशन, आपको अच्छे से पता है एक हाइफी कैसे डिवाइड हो जाएगी और कई सारे हाइफी बना लेगी। फीजन, यहाँ भी डिवीजन होता है, जनरली यूनिसेलुलर फॉर्म में होता है। बडिंग, बॉडी पे एक आउटग्रोथ आएगी और वो आउटग्रोथ न्यू को क्या करेगी, मतलब फंगस को डेवलप करेगी। दूसरा स्कैलरियोशिया, कौन से होते हैं? स्कैलरियोशिया, ये कॉम्पैक्ट ग्रुप होते हैं हाइफी के, जो किससे कवर अप होते हैं? एक थिक वॉल से, थिक कवरिंग होती है। ये स्कैलरियोशिया जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन को प्रोटेक्शन देते हैं इस अंदर की फंगस को, और जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये स्कैलरियोशिया जर्मिनेट होता है, नए माइसीलियम प्रोड्यूस होते हैं, न्यू फंगस फॉर्मेशन करते हैं। जैसे पेनिसिलियम, पेनिसिलियम फंगस के अंदर किससे रिप्रोडक्शन होता है? वेजिटेटिव स्कैलरियोसिया। नेक्स्ट आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस, सबसे पहला है बाय द हेल्प ऑफ जूस पोर। जूस पोर ही पूरी फंगस में एक मोटाइल स्ट्रक्चर है, जिसके मोटाइल मतलब जिसपे क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो पूरी फंगस में एक जूस पोर ही कैसे है, मोटाइल स्ट्रक्चर है। ये जूस पोर एक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं और उसे हम बोलते हैं जूस पोरेंजिया, ठीक है। और ये डिस्पर्सन में और आगे जर्मिनेट होने में मदद करते हैं। सेकंड टाइप का आता है स्पोरेंजियो स्पोर्स। बाकी सभी स्पोर्स नॉन मोटाइल होंगे, तो मैं दोबारा बार बार नहीं बताऊंगी एक जूस स्पोर ही कैसे है मोटाइल। स्पोरेंजियो स्पोर्स ये पाउचलाइक स्ट्रक्चर डेट इज स्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, विंड के द्वारा इनका डिस्पर्सल किया जाता है, जैसे राइजोपस फंगस के अंदर। थर्ड स्ट्रक्चर है कोनिडिया, ये भी नॉन मोटाइल स्पोर्स है, जो एक स्पेशल हाइफी होती है उसके ऊपर एक्सोजीनियसली बॉडी के बाहर डेवलप होते हैं, विंड के द्वारा इनका डिस्पर्सल होता है, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। नेक्स्ट आते हैं कोनिडियो स्पोरेंजिया, ये डुअल पर्पस होते हैं। जब कौन सी कंडीशन होती है ड्राई, जब इनकी बॉडी के अंदर ये कोनिडिया का काम करते हैं, कब? जब ड्राई कंडीशन होती है, और जूस पोरेंजिया का काम करते हैं जब वेट कंडीशन होती है, मतलब गीले मौसम में स्पोरेंजिया बन जाते हैं और ड्राई कंडीशन में किसका काम करते हैं, कोनिडिया का काम करते होते हैं। ये भी सेम राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, इस प्रकार से कर सकते हो। नेक्स्ट आता है क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर्स ये थिक वॉल रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं। कैसे स्पोर्स होते हैं? थिक वॉल रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं। जो अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या कहते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म और रिजर्व फूड होता है वो हाइफी में कहीं कहीं कलेक्ट हो जाता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, और ये क्या बना लेते हैं, क्लेमाइडियो स्पोर्स। जैसे फेवरेबल कंडीशन आई ये जर्मिनेट होते हैं, लार्ज नंबर स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, एग्जाम्पल है राइजोपस। नेक्स्ट आता है गैमे, बिल्कुल इसके जैसे होते हैं, बट क्लेमाइडोस्पोर थिक वॉल है, इनकी वॉल कैसी होती है, थिन। नेक्स्ट आता है
अर्थरोस्पोर। अगर एक्सेस वाटर प्रेजेंट है, एक्सेस में शुगर प्रेजेंट है और एक्सेस में कुछ सॉल्ट प्रेजेंट है, तो हाइफी जो है वो सेगमेंटेशन करना शुरू कर देती है और क्या बनाती है, आर्थ्रोस्पोर की फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट आता है एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स ये नॉन मोटाइल और मियोस्पोर्स होते हैं, जो मियोसिस से प्रोड्यूस्ड होते हैं। देखो दो प्रकार के स्पोर होते हैं, एक होता है माइटोस्पोर, एक होते हैं मियोस्पोर। मियोस्पोर जो मियोसिस से प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, माइटोस्पोर जो माइटोसिस से प्रोड्यूस्ड होते हैं। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज एस्कस, एस्कस के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं। यहाँ पर कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस भी होता है एंड मियोसिस भी होता है। और एक एस्कोस्पोर में 4 से 8 क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते होते हैं। एक एस्कस में 4 से 8 क्या बनते हैं, एस्कोस्पोर बनते हैं। ये एंडोजीनियसली है, एस्कस के अंदर बनते होते हैं। जनरली एस्कोस्पोर एस्कोमाइसिटीज ग्रुप में बनते हैं, इसीलिए एस्कोमाइसिटीज ग्रुप को हम उसको नाम हमने क्या दे दिया, एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट आता है बेसिडियो माइसिटीज या बेसिडियम। कौन से स्पोर आ जाएंगे, बेसिडियो स्पोर्स। ये जो बेसिडियो स्पोर्स हैं, ये एक सैकलाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं और उस सैकलाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बेसिडियम। और ये जो स्पोर्स है ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होंगे बाल की तरफ। और एक बेसिडियम में कितने बेसिडियो स्पोर बनेंगे, 4। जनरली बेसिडियो स्पोर बेसिडियो माइसिटीज में बनते हैं, इसीलिए हम इसे क्या नाम दे देते हैं, बेसिडियो माइसिटीज का नाम देते होते हैं। तो अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछ ले एस्कोकार्प में और बेसिडियो कार्प में, तो आप बता सकते हो ये एस्कोमाइसिटीज में बनते हैं, ये बेसिडियो माइसिटीज में बनते हैं। यहाँ पर एस्कस जो होता है जनरली एसेप्टेट होता है, बेसिडियम जो होता है सेप्टेट भी होते हैं और एसेप्टेट भी होते हैं। एक एस्कस में 4 से 8 एस्कोस्पोर, यहाँ पर सिर्फ 4। ये एंडोजीनियसली होते हैं, ये एक्सोजीनियसली बनते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई की जनरली क्लास देखें तो फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। सिर्फ ड्यूट्रोमाइसिटीज को छोड़कर सभी ग्रुप में क्या प्रेजेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए हम ड्यूट्रोमाइसिटीज को दूसरा नाम देते हैं फंजाई, इम्परफेक्टाई। क्या नाम दे देते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई का नाम देते होते हैं, क्योंकि फंजाई के सभी ग्रुप में क्या प्रेजेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सेप्ट ड्यूट्रोमाइसिटीज। बात यह आती है कि जो फंगस है वो मोनोशियस भी हो सकती है और फंगस डायोशियस भी हो सकती है। हमने पढ़ा था डीयू, अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग इंडिविजुअल में है, फीमेल अलग इंडिविजुअल में है, डेट इज डायोशियस। लेकिन अगर दोनों मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है एक ही इंडिविजुअल में है तो मोनोशियस भी बोल देते हैं और बाइसेक्सुअल का नाम भी देते हैं। आई बात समझ में, तो इसका मतलब है कि जो फंगस मोनोशियस है तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में मिलेंगे, फंगस डायोशियस है तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल अलग अलग सॉरी ऑर्गन अलग अलग इंडिविजुअल में मिलेंगे। इसी को हम होमोथैलिक भी बोल देते हैं और इसको हम हेट्रोथैलिक का नाम भी देते हैं।
अब क्या कहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली दो मेथड से होता है, पहला मेथड है सिंगेमी और दूसरा मेथड है कंजुगेशन। अब कुछ टर्म बता रही हूं, सबसे पहली टर्म है प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, लोअर फंजाई में ये दोनों स्टेप एक साथ होते हैं, लेकिन हायर फंजाई में ये अलग अलग होते हैं। हायर फंजाई में एक फेज आती है डाई कैरियो फेज, जहां पर एक ही सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डेट इज डाई कैरियो फेज। अभी इसको डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला है प्लेनो गैमेटिक कॉपुलेशन। क्या है? प्लेनो गैमेटिक कॉपुलेशन। यहां क्या कहता है कि जो कॉपुलेशन होगा फ्लैजिलेटेड गैमेट के बीच में, फ्यूजन ऑफ फ्लैजिलेटेड गैमेट। लेकिन इसको हमने उनके स्ट्रक्चर के बेस पे तीन टाइप में डिवाइड कर दिया, आइसोप्लेनोगैमेटिक, एन आइसोप्लेनोगैमेटिक और ऊ प्लेनोगैमेटिक। अगर फ्यूजिंग गैमेट सिमिलर है, फ्लैजिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड आइसोप्लेनोगैमेटिक, बिल्कुल एक जैसे है साइज में, सब में, स्ट्रक्चर में। एन आइसोप्लेनोगैमेटिक कैसे है आपके, इस प्रकार से फ्लैजिलेटेड है लेकिन एक बड़ा और एक छोटा। वो प्लेनोगैमेटिक जो है उसमें जो मेल होगा वो छोटा होगा मोटाइल, और जो फीमेल होगी वो लार्ज होगी और नॉन मोटाइल होगा। तो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन में फ्यूजन ऑफ फ्लैजिलेटेड गैमेट। नेक्स्ट आता है सेकंड टाइप, गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक दूसरे के नजदीक आते हैं, और जो मेल सेक्स ऑर्गन है मेल गैमेट को फीमेल गैमेट में ट्रांसफर करता है। यहां पर मेल गैमेट को, मेल सेक्स ऑर्गन को हम नाम देंगे एंथ्रीडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम नाम देंगे ऊगोनियम। क्या नाम दे देंगे? ऊगोनियम। थर्ड है गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। गैमिटेंजियल कॉपुलेशन ये क्या कहता है, गैमेट बियरिंग जो स्ट्रक्चर है एंथ्रीडियम और यूगोनियम फ्यूज होने जाएंगे, और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, आपके जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। इसको हम नाम दे देंगे गैमिटेंजियल कॉपुलेशन, जो राइजोपस में होता है और किस में परफॉर्म किया जाता है, म्यूकर में परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है स्पर्मेटाइजेशन। फीमेल गैमेट लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, कॉल्ड उन्हें हम क्या नाम देंगे, स्पर्मेशिया। और जो क्या कहते हैं फीमेल, सॉरी मेल होंगे वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होंगे, विदाउट फ्लैजिलिया होंगे, और क्या नाम देंगे, स्पर्मेशिया। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो उसके अंदर इस प्रकार से एक आउटग्रोथ डेवलप होगी जिसे हम नाम देंगे ट्राइकोगाइन। मेल अपने आप को इस ट्राइकोगाइन के साथ अटैच करेगा, और कहां आ जाएगा, यहां, और दोनों में फ्यूजन हो जाएगा, और इसको हम क्या नाम दे देंगे, स्पर्मेटाइजेशन। नेक्स्ट आता है सोमेटोगैमी। दो सोमेटिक हाइफी एक दूसरे के नजदीक आएंगी और क्या करती हैं, फ्यूजन करती होती है।
दो सोमेटिक हाइफी एक दूसरे के नजदीक आती हैं और फ्यूजन कर देती हैं। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, सोमेटोगैमी का नाम देते होते हैं। नेक्स्ट फिनोमिना है हेट्रोथेलिज्म। यहां पर जो फ्यूजिंग गैमेट होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, वो दो बिलोंग्स टू टू जेनेटिकली डिस्टिंक्ट स्टेन ऑफ द सेम स्पीसीज। ठीक है, मतलब दो फ्यूजिंग गैमेट, जो फ्यूजिंग गैमेट्स हैं अलग अलग स्ट्रेन होंगी लेकिन स्पीसीज क्या होगी फंगस की, सेम ही होंगी। उसे हम क्या नाम दे देते हैं, हेट्रोथेलिज्म का नाम देते होते हैं। ये क्या कहता है, देयर मे नॉट बी एनी मोर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन द गैमेट और स्ट्रक्चर बियरिंग देम। मतलब हम गैमेट को कोई देख के पता नहीं लगा सकते कौन सा गैमेट है, मेल फीमेल कौन सा है, लेकिन उनकी स्टेन क्या होगी, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट लेकिन स्पीसीज क्या होगी, सेम। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था ब्लैक सी इन 1904 किसके अंदर, म्यूकर फंगस और राइजोपस में। किसमें डिस्कवर किया था, म्यूकस और राइजोपस में इसको डिस्कवर किया था। ये एट्रोथेलिज्म एक आउटब्रीडिंग डिवाइस है। आउटब्रीडिंग का मतलब जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है और किसको प्रमोट करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को। तो क्रॉस पॉलिनेशन आएंगे तो डिफरेंट वेरिएशन आएगा, न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होगी। तो एट्रोथेलिज्म इज प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन एंड हेल्प इन वेरिएशन। अब हम जो मेन टॉपिक शुरू होगा ये अब तक बेसिक था, लेकिन मेन की बात करते हैं तो हम पढ़ेंगे फंगस क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा बताती हूँ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फंगस क्लासिफिकेशन। अगर हम फंगस का क्लासिफिकेशन देखें तो फंगस को बेसिकली हमने दो ग्रुप में बांटा, फाइकोमाइसिटिस और यू माइकोटा। यहां पर माइसीलियम एसेप्टेट होगा, यहां माइसीलियम सेप्टेट। इसको फर्दर हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऊमाइसिटिस और जाइगोमाइसिटिस। ऊमाइसिटिस और जाइगोमाइसिटिस, इसको बोलते हैं हम ऊगैमस फंजाई और इसको बोलते हैं कंजुगेशन फंजाई। अब यू माइकोटा को फर्दर हमने डिवाइड करा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट और नॉट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट प्रेजेंट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। एक ही ग्रुप बताया था, दैट इज ड्यूट्रोमाइसिटीज, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। और दो ग्रुप कौन से बच गए, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियो माइसिटीज। ठीक है, तो कल हम डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से, फाइकोमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और कौन सी फंजाई पढ़ेंगे, बेसिडियो माइसिटीज।